कमिश्नर, एडीजी, कलेक्टर और एसपी ने प्रधानमंत्री के पकरिया आगमन स्थल का लिया जायजा। नमस्कार, एपीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं रॉबिन कुमार मिश्रा उस जगह पहुंच चुका हूं जहां 27 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। ये वही ग्राउंड है लालपुर का हवाई अड्डा जिसे कहा जाता है, जहां पे जोरों शोर से तैयारियां किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए सभी लोग तैयारी हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ कि स्वागत करने की तैयारी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को इसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और में तैयारी बहुत जोर तोर से तैयारी हो रही है। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 27 तारीख को यहीं पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, उसके बाद यहीं पे सभा को वो संबोधित करेंगे। कलेक्टर, एसपी सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। संभागायुक्त राजीव शर्मा और एडीजी डीसी सागर के साथ जिले के कलेक्टर वंदना वैग और पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक सहित जिले के अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से शहडोल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगामी 27 जून के प्रवास के मद्देनजर पकरिया आगमन के स्थल का मौका मुआयना किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमिश्नर राजीव शर्मा ने मुख्य मंच और डी सहित जनसामान्य की बैठक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद और सुचारू रूप से बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने बगीचे का भी मौका मुआयना किया, जहां पर पीएम स्व सहायता समूहों की महिलाओं, खिलाड़ियों और अन्य हितग्राहियों से संवाद करेंगे। वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के समुचित निर्देश आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र, वनमंडल अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी मौजूद थे।